जय हिंद, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आशा है, उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, तैयार होंगे पढ़ने के लिए। आज की तारीख है 18 नवंबर और जैसा कि हमने बात की थी कि इस शनिवार को 1 तारीख से 15 तारीख के बीच की जो जो महत्वपूर्ण बातें रही हैं वो सारी हम यहां पर कवर करने वाले हैं। मतलब एक प्रकार से आप बोल सकते हो आधे महीने का रिविजन होने वाला है। और ये भी मैं आशा कर रहा हूं कि हर जो भी YouTube में जहां पर भी मेरी क्लास होती थी वो सारे बच्चे आज यहीं पर आ गए होंगे। कोई धक्का मुक्की नहीं करेगा, हल्ला गुल्ला कोई नहीं करेगा, सब लोग यहां पर ध्यान से पढ़ाई करेंगे। और हमें क्या याद रखना है, ये है एक रिवीजन क्लास। एक रिवीजन क्लास हो जाती है और यहां पर हम बहुत सारे फैक्ट के बारे में बात करते हैं, इसलिए मैं आप लोगों के कमेंट यहां पर नहीं पढ़ता हूं, ठीक है? कोई इस पर आज गुस्सा नहीं करेगा कि सर आज आपने मेरा कमेंट नहीं पढ़ा, क्योंकि यहां पर बहुत सारे सवाल होते हैं, है ना? इसलिए किसी का भी क्वेश्चन, किसी का भी सवाल आज पढ़ पाना थोड़ा मुश्किल है। मेरा नाम है सीएम तिवारी और यहां पर करंट अफेयर की बातें हम कर रहे हैं। देखिए, पहला सवाल आपके सामने है, पीएम मोदी अर्थात प्रधानमंत्री मोदी जी, एक मिनट कलर सेलेक्ट कर लेता हूं, दूसरा लाल कलर ठीक है, दिखाई दे रहा है। तो जल्दी से आप सभी को बताना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आधारित किस गाने को ग्रैमी पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया है? विच सॉन्ग फीचरिंग पीएम मोदी हैज बीन नॉमिनेटेड फॉर ग्रैमी अवार्ड? क्या माड़ी सॉन्ग हो जाता है, बाजरे में प्रचुरता, एब्यूडेंस इन मिलेट्स हो जाता है, या हिंदुस्तानी सॉन्ग हो जाता है, या इनमें से कोई नहीं इसका सही उत्तर होगा। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है लगातार अब गानों की ओर रुचि ले रहे हैं, है ना? जैसे अभी अभी हमने एक गरबा सॉन्ग भी देखा था, एक गरबा सॉन्ग भी देखा था, गरबा गीत भी देखा था, जिसका नाम था माड़ी, और इसके बोल भी लिखे गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। और यहां पर इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, आप बोलेंगे ऑप्शन नंबर बी होने वाला है, एविडेंस इन मिलेट्स होने वाला है। और आप ये देखेंगे इनका नाम क्या हो जाता है, फाल्गुनी शाह हो जाती है, जिन्होंने इस गीत को गाया है अपने पति देव, जिनका नाम हो जाता है गौरव शाह जी के द्वारा, ठीक है, गौरव शाह जी के साथ। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस पर आपको देखने के लिए मिलेंगे फीचरिंग में, ठीक। तो मतलब अगर आपने उत्तर दिया है ऑप्शन बी तो बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन ए तो किसी ने नहीं बोला ना, हर्षित ने बोला है, हर्षित फंस गए हैं, क्योंकि मैं समझ रहा हूं माड़ी जो सॉन्ग था वो भी अभी अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कारण ही चर्चा पर रहा था। अगला सवाल आपके लिए, अयोध्या में दीपोत्सव 2023 के दौरान गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हुए कितने दिए जलाए गए? हाउ मेनी दियाज वर लिट सिटिंग अ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ड्यूरिंग दीपोत्सव 23 इन अयोध्या? हर साल लगातार अब अयोध्या के घाटों पर हम दिए जला रहे हैं, है ना? इसी दिन हमने देखा है कि राम जी आए थे वनवास अपना पूरा करके, और उसी के उपलक्ष्य पर यहां पर जो अयोध्या वासी थे उन्होंने दियों से पूरे अंधकार को भगाया था, और एक प्रकार से ये बोला था कि यह जो है बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक होने वाला है। और उसी प्रकार से हम देखते हैं कि यहां पर भी लगभग 23,000 के आसपास, है ना, 22,23,000 के आसपास दिए जलाए जाने की बात यहां पर कही गई थी। 50 से अधिक घाटों पर यह किया गया था और लगातार ऐसा किया जा रहा है, ठीक। आइए अगला सवाल आपके सामने, केंद्र सरकार ने किस ब्रांड के नाम के तहत कम कीमत गुणवत्ता वाला गेहूं 27.5 रुपए प्रति किलोग्राम पर लॉन्च किया है? अंडर विच ब्रांड नेम है सेंट्रल गवर्नमेंट लॉन्च्ड लो प्राइस एंड क्वालिटी वीट एट 27.5 रुपीस पर केजी? यहां पर भारत सरकार के द्वारा खुद का एक ब्रांड आटे का लॉन्च किया गया है। अगर भारत सरकार इस तरह के कोई भी कार्य करती है तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, है ना? तो इसका नाम क्या होगा, जैसे अभी अभी एक यूरिया गोल्ड, यूरिया है ना, यूरिया गोल्ड नाम से एक यूरिया भी लॉन्च किया गया था, यूरिया गोल्ड नाम से एक यूरिया भी लॉन्च किया गया था। यहां पर गोल्ड आपको याद रखना था
और यहां पर भारत आटा आपको याद रखना है, ठीक है। इसी प्रकार से नमो भारत नाम से ट्रेन, नमो भारत नाम से ट्रेन कौन सी? रीजनल ट्रेन, क्षेत्रीय, भारत की पहली क्षेत्रीय ट्रेन को भी नमो भारत नाम से लॉन्च किया गया था। ये सारी चीजें तो याद आ रही है ना, ऐसा तो कोई नहीं जो भूल रहा है ये सारी चीजें। बिल्कुल रैपिड एक्स ही इसको बोला गया था पहले, है ना, RRTS, रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, रैपिड एक्स भी इसको बोला गया था, रैपिड एक्स भी इसको बोला गया था, ठीक। आइए अगला सवाल आपके लिए, इसके तहत मतलब किस योजना के तहत 50 लाख से ज्यादा स्ट्रीट वेंडर्स को सस्ती दरों पर लोन मिल रहा है। मोर देन 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स आर गेटिंग लोन्स एट अफोर्डेबल रेट अंडर विच स्कीम, आपको बताना है यहां पर, ठीक है। तो कौन सी स्कीम होगी? अटल पेंशन योजना होगी, या प्रधानमंत्री सुरक्षा निधि योजना होगी, सुरक्षा बीमा योजना होगी, या स्वनिधि योजना होगी, या प्रधानमंत्री जनधन योजना होने वाली है। प्रधानमंत्री जनधन योजना तो 28 अगस्त 2014 को स्टार्ट की गई थी, है ना, और ये स्वनिधि यहां पर हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर। स्वनिधि के फुल फॉर्म की आप बात करते हैं तो स्ट्रीट वेंडर, स्ट्रीट मतलब गली, स्ट्रीट मतलब गलियां जो होती हैं, वेंडर मतलब फेरी वाले आप बोल सकते हैं, स्ट्रीट वेंडर, वेंडर मतलब जो फेरी वाले आदि होते हैं, तो उनके लिए आत्मनिर्भरता, आत्मनिर्भर, आत्मनिर्भर अर्थात जो हमारे फेरी वाले आदि हैं उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक प्रकार से उनको लोन प्रदान करने की स्कीम है, जो आप बोल सकते हो 2020 में लॉन्च की गई थी और उसके तहत अब तक 50 लाख से ज्यादा लोगों को दिया जा चुका है लोन, यहां पर ऐसी बात की गई है, ठीक। नेक्स्ट आइए, और यहां पर लिखे भी हुई है बातें बहुत सारी 50 लाख से अधिक, और फुल फॉर्म भी आप देख सकते हैं। मंत्रालय कौन सा हो जाता है? तो आवास व शहरी मामलों का मंत्रालय हो जाता है, जिसको आप हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री बोलते हो, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स भी बोलते हो। हरदीप सिंह पुरी इसके मंत्री हो जाते हैं, हरदीप सिंह पुरी इसके मंत्री हो जाते हैं, ठीक। आइए नेक्स्ट, अयोध्या में राम जन्म भूमि मंदिर का उद्घाटन किस तारीख को होने वाला है? बहुत ही शानदार सा, बहुत सारे लोग तो अभी से इंतजाम कर रहे हैं, ट्रेन बुक हो चुकी हैं, है ना, तो बहुत ही जबरदस्त तरीके से, ऑन विच डेट द राम जन्म भूमि टेम्पल इन अयोध्या इज सेट टू बी इनॉग्रेटेड। 2019 में सर्वोच्च न्यायालय का एक ऐतिहासिक फैसला आया था, जिसके द्वारा ये बोल दिया गया था कि यहां पर राम मंदिर बन सकता है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, और आप देखेंगे 22 जनवरी 2024 को इसका उद्घाटन होने वाला है। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर, ठीक। इसका उत्तर क्या होगा? 22 जनवरी होने वाला है, 2024 का साल होने वाला है, ठीक। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आइए, ये लिखा भी हुआ है एक्स्ट्रा फैक्ट, आप अपनी कॉपी पर भी नोट कर सकते हैं। 22 जनवरी 2024 की तारीख है, 2019 को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, और उसके बाद 5 अगस्त 2020 को भूमि पूजन आदि इसका कर दिया गया था। नेक्स्ट, स्थानीय कारीगरों को समर्थन देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा अभियान शुरू किया गया है? Which of the following campaigns have been launched by प्रधानमंत्री मोदी टू सपोर्ट लोकल आर्टिशियंस। हाँ, अब हमने देखा जिस प्रकार से दिवाली आई और यहां पर हम लोग क्या किया करते थे कि अक्सर बाहर के चीन आदि जहां के भी लोग कोई भी अपना सामान बनाते हैं, हम उनको जाकर खरीद लिया करते थे। हमारे यहाँ के ही जो दीपक होते हैं, मिट्टी के बने होते हैं, हमारे यहाँ के कारीगर ही जिसको बनाते हैं, हम लोग उस पर ध्यान नहीं दिया करते थे। लेकिन
अब सरकार लगातार हमारे यहाँ के जो कुटीर उद्योग हैं, जो हाथ से निर्मित उद्योग हैं, उनको बढ़ावा देने के लिए लोकल फॉर वोकल नाम से एक मिशन जो है उसको भी बढ़ावा देने की बात करती है। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। इसके अलावा आप ये भी याद रखेंगे, लोकल फॉर वोकल भी बिल्कुल सही आंसर है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने बर्थडे पर अर्थात 17 सितंबर 2023 को कारीगरों, हस्तकारों, दस्तकारों, शिल्पकारों आदि के लिए विश्वामित्र योजना, प्रधानमंत्री विश्वामित्र योजना, विश्वकर्मा योजना, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की शुरुआत भी कर चुके हैं, तो यह भी आपको याद रखनी होगी। अविनाश सर कहां गए हैं? अब जो बच्चे बिहार के हैं उन सभी को पता है कि छठ उत्सव आने वाला है और छठ उत्सव मनाकर ही आपके प्यारे से अविनाश सर आएंगे आपके साथ, ठीक है? तो परेशान बिल्कुल नहीं होना है, आप लोग भी तब तक सूर्य की उपासना करिए। छठ उत्सव का तो बहुत ज्यादा मान्यता है बिहार आदि उसके आसपास के क्षेत्र पर, है ना, वहां पर उगते हुए सूरज के साथ साथ ढलते हुए सूरज की भी पूजा की जाती है, बहुत ही शानदार, है ना। भारत का मध्यम वर्ग तेजी से प्रगति कर रहा है, 2023-24 में लगभग कितने लोग आयकर रिटर्न दाखिल कर रहे हैं जो 2013-14 से दोगुनी हो गई है। यहां पर ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा बताया गया है आंकड़ा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा ये आंकड़ा जारी किया गया है कि 2013-14 में जितने लोग भरा करते थे इनकम टैक्स उससे ज्यादा लोग अब भर रहे हैं यहां पर, ठीक है? तो उससे दोगुने लगभग लोग अब भर रहे हैं आयकर, तो कितने लोग अब भर रहे हैं ये आपको बताना है। तो आप बिल्कुल सही, रवि का उत्तर बिल्कुल सही आ रहा है, रवि कुमार, शानदार, शिखा, चंदा, शिव, जिन बच्चों ने बोला है 7.5 करोड़ प्लस, बिल्कुल सही यही उत्तर होने वाला है, लगभग नहीं तो 8 करोड़ के आसपास लोग आप याद रख सकते हो, ठीक, जबरदस्त। मैं देख रहा हूं कई बच्चे आपस में ही बात कर रहे हैं कि सर इसका सही आया है, इसका गलत आया है, बिल्कुल इसी प्रकार से आपको जिस प्रकार से क्लास में आप पढ़ाई करते हो आपस में कंपटीशन रहना चाहिए कि मैं सही दे रहा हूं, वो गलत दे रहा है, उसका सही हो गया तो मेरा तो अगला सही ही होना है, है ना। उसने 4 घंटे पढ़ाई करी है तो मैं अब 5 घंटे पढ़ाई करूंगा। खुद से भी कॉम्पिटिशन होना चाहिए कि पिछले दिन अगर मैंने किसी टेस्ट में 10 में से 9 नंबर लाए थे तो 10 में से 8 तो अब मेरा होना ही नहीं चाहिए, है ना। इस प्रकार से भी आपके दिमाग में रहनी चाहिए बातें, खुद से आप कॉम्पिटिशन करेंगे तो जल्दी सक्सेस पाएंगे। एआई के सुरक्षित विकास पर पहला समझौता क्या है जिस पर भारत और 27 अन्य देशों ने हस्ताक्षर किए हैं, इसे किस नाम से जाना जाता है? What is the first agreement on the safe development of AI, अर्थात artificial intelligence, अर्थात कृत्रिम बुद्धिमत्ता की बात की जा रही है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता की बात की जा रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की जा रही है। आपने अभी अभी एक और नाम सुन लिया होगा डीप फेक नाम से, है ना, डीप फेक नाम से आपने एक और नाम अब सुन लिया होगा। यहां पर एआई की सहायता से किसी इंसान का जो चेहरा है, है ना, किसी इंसान का जो चेहरा है एआई की सहायता से इसको बदल दिया जाता है। आपने रश्मिका मंदाना जो एक साउथ की एक्ट्रेस हैं तो उनके चेहरे को बदला गया था अभी, तो ये मामला बहुत ही ज्यादा सुर्खियों पे आया था और इसीलिए एआई को सेफ सिक्योर बनाने के लिए लगातार बातें चल रही हैं। और यहां पर बहुत सारे सोशल मीडिया जो ग्रुप हैं, यूट्यूब, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इन सभी को एडवाइजरी भी जारी की गई है भारत सरकार के द्वारा कि अगर किसी द्वारा रिपोर्ट की जाती है तो 36 घंटे के अंदर आपको एक्शन लेना पड़ेगा, डीप फेक वाली जो भी फोटोज हैं वायरल हो रही हैं उनको हटाना पड़ेगा, ठीक। इस प्रश्न का उत्तर ये कहां किया गया था, बेलेचली एक स्थान हो जाता है जिस स्थान पर यह बैठक हुई थी, कहां हुई थी तो आप बोलेंगे यूके, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन में हुई थी यह बैठक और इस पर भारत सहित अमेरिका, यूके और ये बड़े बड़े देश, कुल मिलाकर 28 देश, है ना, कुल कितने देश आप बोलोगे, कुल इसमें 28 देश शामिल हुए थे। और यह काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा पर पहली बैठक हो जाती है, ठीक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर पहली बैठक।
जो इसकी सुरक्षा पर आधारित है, सुरक्षा इसका उद्देश्य हो जाता है। ठीक, अगला सवाल आपके सामने, आईसीसी ने किस देश के क्रिकेट बोर्ड की सदस्यता रद्द कर दी है? आईसीसी हैज कैंसल्ड द मेंबरशिप ऑफ विच कंट्रीज क्रिकेट बोर्ड? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका? उत्तर क्या होगा? तो हमने यहां पर भी बात की थी कि एक देश है बहुत ही बुरी तरीके से हार रहा था, इस प्रकार से हार रहा था कि ऐसा लग रहा था कि भाई साहब इन्होंने, प्लेयर्स ने, खिलाड़ियों ने और जो भी बोर्ड के मेंबर्स हैं उन्होंने पैसे ले लिए हैं और जानबूझकर हार रहे हैं, खुद से हार रहे हैं। तो वहां की जो सरकार है बहुत ज्यादा इन पर दबाव देने लगी, यहां का जो बोर्ड है उसके ऊपर बोर्ड को बोला कि अब आप सरकार के अधीन हो, है ना, सरकार के अधीन हो। यहां पर क्रिकेट बोर्ड को ऐसा बोला, क्रिकेट बोर्ड को ऐसा बोला गया इस देश के द्वारा। तो यहां पर सरकार का इतना ज्यादा हस्तक्षेप देखकर इस बोर्ड के ऊपर यहां पर आईसीसी ने किया कि इस बोर्ड की सदस्यता ही रद्द कर दी। ना रहेगा बांस ना बजे की बांसुरी। ठीक, तो इस प्रकार की बातें हमें देखने के लिए मिली। और श्रीलंका की टीम अब से कोई भी मैच नहीं खेलेगी अंतर्राष्ट्रीय स्तर का, यहां पर ऐसा बोलना है। ठीक, बिल्कुल, आईसीसी ने बैन कर दिया है फिलहाल टेम्परेरी रूप से। जब भी ये सारे मामले सॉल्व हो जाएंगे तब फिर बातें फिर से आगे बढ़ेंगी, उत्तर इसका श्रीलंका हो जाएगा। आगे देखिए, यहां पर बहुत सारी बातें की जा रही हैं। अभी अभी आपको पता है हमने 15 नवंबर मनाया है, 15 नवंबर की तारीख थी और 15 नवंबर को हम जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाते हैं, जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाते हैं, गौरव दिवस के रूप में मनाते हैं। और इसी दिन भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती होती है, भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती होती है। ठीक है, कब इनका जन्म हुआ था? 15 नवंबर 1875 में जन्म हुआ था भगवान बिरसा मुंडा जी का। 1900 सन में इनका निधन हो गया था, लगभग 25 वर्ष की उम्र पर। ठीक, एयरफोर्स का बैच कब आएगा? एप्लीकेशन पे आप चेक करिएगा, हर चीज आपको वहां पर पता चल जाएगी, है ना, बैच कब आएगा, कितनी फीस होगी, कौन कौन फैकल्टी पढ़ाएंगे, क्या सिलेबस होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एप्लीकेशन में आपको हर चीज मिल जाएगी। ठीक, अब देखिए, भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली उलिहातू गांव है और उलिहाती गांव पर जाने वाले प्रधानमंत्री जी अब पहले प्रधानमंत्री होने वाले हैं। ठीक, इसके अलावा उलिहाती गांव हो कहां जाता है तो आप बोलोगे खूंटी, एक जिला हो जाता है, खूंटी एक जिला हो जाता है। कहां पर? आप बोलेंगे झारखंड पर एक जिला हो जाता है, झारखंड पर एक जिला हो जाता है। और यहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गए हुए हैं, उनकी पहली यात्रा है इस स्थान की। आप ये भी देख सकते हो कि यहां पर विकसित भारत संकल्प यात्रा भी शुरू किए जाने की बात कही जा रही है। ठीक है, भारत को विकसित बनाने के लिए एक प्रकार से आप यात्रा बोल सकते हो। बिल्कुल सही, झारखंड का स्थापना दिवस भी होता है कब? 2000 में, 15 नवंबर को ही, 15 नवंबर को ही सन 2000 में झारखंड का स्थापना दिवस भी होता है, झारखंड स्थापना दिवस। इसके अलावा यहां पर आप देख सकते हो प्रधानमंत्री PVTG, है ना, प्रधानमंत्री ये क्या है? पर्टिकुलर वनरेलेवर ट्राइबल ग्रुप, अर्थात ऐसा ग्रुप भी है, ऐसा समूह होता है जो कुछ ज्यादा ही दबाया गया है, है ना, SC ST से भी ज्यादा ये क्षेत्र भी बहुत ज्यादा दबा हुआ होता है, बहुत ज्यादा पिछड़े होते हैं यहाँ के लोग, कोई शिक्षा आदि का माध्यम नहीं होता है, अभी भी प्राचीन समय की जो कृषि पद्धति है वही करते हैं, उसी प्रकार से शिकार आदि करके खाना आदि खाते हैं। तो उन क्षेत्रों के विकास के लिए ही यहां पर एक मिशन शुरू किए जाने की बात कही जा रही है, लगभग 24,000 करोड़ रुपए से, जिससे लगभग 28 लाख लोगों को फायदा होने वाला है। और ये जो ग्रुप है PVTG जो ग्रुप है, सर्वाधिक आप बोलेंगे कहां पर होता है? सर्वाधिक यह ग्रुप ओडिशा राज्य पर पाया जाता है। ठीक,
ठीक है, लेकिन इस मिशन की शुरुआत झारखंड से होती है। प्रधानमंत्री किसान योजना जो है, जो कि फरवरी 2019 में शुरू की गई थी, उसके तहत 15वीं किस्त जो कि लगभग 2000 की तीन किस्त सालाना अर्थात 6000 रुपए प्रति वर्ष देने की बात कही गई थी, उसकी 15वीं किस्त भी जारी कर दी गई है। अनेक परियोजनाओं का शिलान्यास भी यहां पर किया जाएगा। ये सारी बातें यहां पर लिखी हैं, पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, है ना, वल्नरेबल, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, बहुत ही ज्यादा ये जो समुदाय है बहुत ही ज्यादा हीन होता है। ठीक, आइए नेक्स्ट। 15 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, आप लोगों के लिए सवाल, अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा है, जल्दी से बताइए 15 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है। मैं तो केजीएस पे 5 क्लास परचेज की हूं, स्वीटी जी बोल रही है। अरे तब तो दिन भर आप पढ़ाई करती होंगी, है ना, जबरदस्त। इसका उत्तर क्या है, अभी अभी हमने देखा है, जनजातीय गौरव दिवस हो जाता है इस प्रश्न का, बिल्कुल सही उत्तर। मधुमेह दिवस कब होता है, आप बोलोगे 14 नवंबर को होता है, 14 नवंबर को चिल्ड्रंस डे भी होता है और मधुमेह दिवस भी होता है, डायबिटीज डे भी होता है। इसके अलावा निमोनिया दिवस कब होता है, आप बोलोगे 12 नवंबर को होता है, और संविधान दिवस कब होता है, आप बोलोगे 26 नवंबर को ये मनाया जाता है। तो मेरा कमेंट नहीं दिख रहा है क्या, दिलीप जी बोल रहे हैं, जैसा मैंने आज आपको पहले ही बताया क्लास शुरू होने से पहले ही कि आज हमारे पास बहुत सारे सवाल होते हैं। जैसे आप अभी देखोगे, अभी हम सिर्फ 19वें पेज पर हैं, आज लगभग 150 से ज्यादा पेज है हमारे पास, है ना। अगर मैं कुछ बच्चों का भी कमेंट पढ़ता हूं तो भी हम ये सारी बातें आज नहीं कर पाएंगे, इसलिए आज स्पीड बहुत ज्यादा रहेगी, आज किसी के लगभग कमेंट हम नहीं पढ़ने वाले हैं। ठीक, देखिए बोंगो सागर की बात यहां की जा रही है। बोंगो सागर क्या है, सवाल पढ़िए, भारत और किस देश के मध्य अभ्यास बोंगो सागर का आयोजन होता है, एक्सरसाइज बोंगो सागर इज ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। तो यह है बोंगो सागर का चौथा एडिशन होने वाला है, 2023 में होने वाला है, उत्तरी बंगाल की खाड़ी पर इसका आयोजन होने वाला है, उत्तरी बंगाल की खाड़ी पर इसका आयोजन होने वाला है। आप बोलोगे किस देश के साथ होता है, तो आप बोलोगे बोंगो अर्थात बांग्लादेश, बोंगो बांग्लादेश, बोंगो बांग्लादेश। इस पर भारत के दो जहाज आपको याद रखने हैं, काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, एक हो जाता है किल्टन, एक हो जाता है कुठार। एक हो जाता है किल्टन, किसको किल करेगा, देखो किल्टन यहां पर किल लिखा हुआ है, किल ये किसको करेगा, सबमरीन को किल करेगा, अर्थात एंटी सबमरीन कार्वेट हो जाता है। इसके अलावा हमने बात की कुठार की, है ना, कुठार की बात की, तो कुठार कुटाई करेगा, किसकी कुटाई करेगा, ये गाइडेड मिसाइल वाला कार्वेट हो जाता है, तो ये बस कुटाई करने का काम करेगा। ठीक, केटन किल करेगा सबमरीन को और कुठार कुटाई करेगा मिसाइल से। पीडीएफ कहां मिलता है, गीता जी ने पूछा है, पीडीएफ आप सभी को मिलेगा टेलीग्राम चैनल पर। कहां, टेलीग्राम चैनल पर, कौन से टेलीग्राम में, एसएससी खान ग्लोबल स्टडीज टेलीग्राम पर आपको मिलने वाला है इसका पीडीएफ। ठीक, नेक्स्ट, ब्रिटेन के नए गृह सचिव कौन है, हु इज द न्यू होम सेक्रेटरी ऑफ ब्रिटेन, डेविड कैमरून, जेम्स क्लेवरली, सुएला ब्रेवरमैन, ऋषि सुनक। अभी तक हम बात कर रहे हैं होम सेक्रेटरी की, कौन हुआ करते थे, अभी तक हुआ करते थे, आप बोलोगे सुएला ब्रेवरमैन, लेकिन इन्होंने भारत विरोधी बहुत सारी बातें पहले भी की थी और फिर से ये चर्चा में आ गई थी कि अपने यहां की पुलिस की ही इन्होंने निंदा कर दी, तो लोगों ने बोला कि पुलिस की जब आप निंदा कर रहे हो कि पुलिस काम नहीं कर रही है, पुलिस तो आपके ही अधीन आती है, तो आप एक काम करो कि आप अपना इस्तीफा दे दो, तो इन्होंने ऐसा ही इनको करना पड़ा कि इन्होंने अपना इस्तीफा दिया। जेम्स क्लेवरली इस पद पर आसीन हुए और डेविड कैमरून जो यहां के एक्स प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं, यहां के फॉरेन सेक्रेटरी अर्थात विदेश सचिव के रूप में नियुक्त हुए। अब देखो यहां पर हमने सचिव जरूर लिखा है,
लेकिन ब्रिटेन में सचिव का मतलब एक मंत्री ही होता है। मिस माया बोल रही है नथिंग, ओके, किसी और से लगता है बातें हो रही हैं। विदेश सचिव भारत के विदेश मंत्री के बराबर का ही पद होता है। ऋषि सुनक कौन हो जाते हैं? बिल्कुल, एक बच्चे ने बिल्कुल सही उत्तर दिया है, रवि जी ने, ये प्राइम मिनिस्टर हो जाते हैं, ये भी आपको याद रखना है। डिटेल में हम लोग बातें करते हैं इनके बारे में जब हमारी क्लास होती है, अभी सिर्फ और सिर्फ रिविजन कर रहे हैं तो यहां पर बहुत बातें नहीं होती हैं। ये कौन है? यही हो जाते हैं डेविड कैमरून, पूर्व प्रधानमंत्री हैं, इनको विदेश सचिव के रूप में अपॉइंट किया गया है। ये है जेम्स क्लेवरली और इनको होम सेक्रेटरी के रूप में अपॉइंट किया गया है, नए गृह सचिव बन गए हैं ब्रिटेन के। नेक्स्ट, यहां पर क्या बात की जा रही है? नेशनल गेम अर्थात राष्ट्रीय खेलों के बारे में बात की जा रही है, राष्ट्रीय खेलों के बारे में बात की जा रही है। राष्ट्रीय खेल किस क्रमांक के आप बोलोगे, यह है, यहां मैं लिखता हूं, यह इसका संस्करण हो जाएगा, संस्करण हो जाएगा 37th। आयोजन हुआ था गोवा में, मस्कट अर्थात शुभंकर होगा इसका, शुभंकर होगा इसका मोगा, ठीक। इसके अलावा इसकी थीम क्या रखी गई थी आप बोलोगे, गेट सेट गोवा, गेट सेट गोवा, है ना। टॉप पर कौन रहा है तो आप बोलोगे 37वें की बात की जा रही है, तो महाराष्ट्र टॉप पर रहा है। कौन सा राज्य आप बोलोगे, महाराष्ट्र टॉप पर रहा है। कहां लिख दूं, यहां लिखता हूं, पहले नंबर पर महाराष्ट्र रहा है, दूसरे नंबर पर आप बोलोगे सर्विसेज रहा है, है ना। चार नंबर अच्छे से याद रखने हैं, चार नंबर तक। तीसरे नंबर पर हरियाणा रहा है और पांचवें चौथे नंबर पर आपका एमपी रहा है, मध्य प्रदेश रहा है। क्यों चार नंबर तक याद रखने के लिए बोल रहा हूं, अभी अभी आपके एसएससी के मेंस में पूछा गया था 36वें राष्ट्रीय खेलों में पूरा क्रम, ठीक। तो बिहार पुलिस की एग्जाम डेट आ गई है क्या? बिहार पुलिस के बारे में तो अभी जानकारी फिलहाल नहीं है, लेकिन बिहार एसआई की जरूर आ चुकी है डेट, वो 17 दिसंबर से आपके एग्जाम होने वाले हैं, तो लगातार पढ़ाई करिए, कभी भी आ जाए एग्जाम डेट कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको भी पता है ये वाला एग्जाम तो एक बार होने वाला था फिर बाद में पोस्टपोन हुआ है ना किन्हीं कारणों के कारण। राजा भालिंदर ट्रॉफी किस टीम ने जीता है, विच टीम वॉन द राजा भालिंदर ट्रॉफी। तो हमने जिस राष्ट्रीय खेलों की बात की, राष्ट्रीय खेलों पर ही सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली टीम को ही राजा भालिंदर ट्रॉफी का पुरस्कार दिया जाता है, अर्थात बिल्कुल सही आप सभी बच्चे बोल रहे हैं, ऑप्शन ए अर्थात महाराष्ट्र इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट, यहां पर यह ट्रॉफी प्रदान की जा रही है जगदीप धनखड़ जी के द्वारा। किसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट परिसर में मिट्टी कैफे का उद्घाटन किया गया? हु इनॉग्रेटेड मिट्टी कैफे इन सुप्रीम कोर्ट प्रेमिसेस? आपको बताना है कि द्रौपदी मुर्मू, अर्जुन राम मेघवाल या नरेंद्र मोदी या डी वाई चंद्रचूड़। तो सुप्रीम कोर्ट परिसर की बात की जा रही है, तो सुप्रीम कोर्ट के मुखिया अर्थात सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा ही यह किया जाएगा, और ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा, डी वाई चंद्रचूड़। मिट्टी कैफे क्या है? 2017 में इस एनजीओ की स्थापना की गई थी और मुख्य रूप से दिव्यांग भाई बहन जो हैं हमारे, है ना, उनके द्वारा ही यह संचालित किया जाता है, ठीक। तो इसलिए आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। इस प्रकार से तस्वीर आपको देखने के लिए मिलेगी, यही है हमारे देश के सीजेआई जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़। इनके पिता जस्टिस वाई वी चंद्रचूड़ भी भारत के सीजेआई रह चुके थे, ठीक। दिव्यांग भाई बहनों के लिए, बिल्कुल दिव्यांग भाई बहनों के लिए नहीं बोला जा सकता है, उनके द्वारा संचालित किया जाता है, अर्थात उन्हीं के द्वारा जो भी काम करने वाले हैं, बनाने वाले हैं, हर कोई यहां का जो भी वर्कर रहेगा वो दिव्यांग रहेगा, ठीक है। सर्विस यहां पर कोई भी जाकर ले सकता है। नेक्स्ट, 1 नवंबर 2023 को किस खिलाड़ी की प्रतिमा का अनावरण वानखेड़े स्टेडियम में किया गया? विच प्लेयर्स स्टैचू विल बी इनॉग्रेटेड एट वानखेड़े स्टेडियम ऑन 1 नवंबर 2023? किया जाएगा, यहां पर प्रश्न की भाषा में लिखा हुआ है, लेकिन अब तो किया जा चुका है, तो आपको लैंग्वेज पर ध्यान नहीं देना है, उत्तर बताना है। उत्तर आप याद रखेंगे क्योंकि 2013 पर, नवंबर 2013 पर ही
नवंबर 2013 पर ही वानखेड़े स्टेडियम पर ही वेस्ट इंडीज के खिलाफ ही आखिरी मैच खेला गया था सचिन तेंदुलकर जी के द्वारा, और इसीलिए वानखेड़े स्टेडियम पर ही यह प्रतिमा का अनावरण किया गया है, सचिन तेंदुलकर जी की प्रतिमा का अनावरण। ठीक, बिल्कुल। और इनकी 49 सेंचुरी है, अभी तक इन्होंने कितनी सेंचुरी लगाई थी वनडे में, 49, और इस सेंचुरी का रिकॉर्ड आपके विराट कोहली सर ने तोड़ दिया है ना, जबरदस्त। नेक्स्ट, यहां पर आप देख सकते हो पूरी यहां पर जानकारी लिखी हुई है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य की पहली हेरिटेज ट्रेन का उद्घाटन किया? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द फर्स्ट हेरिटेज ट्रेन ऑफ विच स्टेट? गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो हमने देखा था एकता दिवस के उपलक्ष पर ही किया गया था, एकता नगर से अहमदाबाद के बीच लगभग 182 किलोमीटर की दूरी पर यह हेरिटेज ट्रेन चलाई गई थी। लगभग 3 बॉक्स की यह होने वाली है। यह दिखने में तो एक हेरिटेज अर्थात प्राचीन समय की ट्रेन ही लगेगी, लेकिन पूरा इलेक्ट्रिक से चलेगी, अंदर 5 स्टार जैसी सर्विसेज आपको मिलेंगी, इस तरह की चीजें आपको दिखने वाली हैं। गुजरात से इसका संबंध हो जाता है, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। जबरदस्त, सभी बच्चों का आंसर बिल्कुल सही। नेक्स्ट, भारत में सड़क दुर्घटना 2022 पर वार्षिक रिपोर्ट किस मंत्रालय के द्वारा जारी की गई? द एनुअल रिपोर्ट ऑन रोड एक्सीडेंट्स इज इन इंडिया 2022 वाज रिलीज्ड बाय विच मिनिस्ट्री? क्या यह परिवार स्वास्थ्य व कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है, सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय द्वारा, या गृह मंत्रालय द्वारा, या नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है? तो इसको हम पहले भी देख चुके हैं कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा मामले बढ़ रहे हैं किसके, सड़क दुर्घटनाओं के। उत्तर प्रदेश इस पर टॉप पर हो जाता है। इसके अलावा पिछले वर्ष से बहुत ही ज्यादा वृद्धि हुई है सड़क दुर्घटनाओं में, लगभग 12% की वृद्धि हुई है, और लगभग 9.5% के आसपास मृत्यु की वृद्धि हुई है ना, चोटें लगभग 15% की वृद्धि हुई है। इस प्रकार से बहुत ज्यादा ये आंकड़ा पड़ रहा है। आप लोगों को सतर्क रहकर थोड़ा सावधान होकर गाड़ी वाहन आदि चलाना है, क्योंकि आपको भी पता है हल्का सा भी आपके कहीं भी चोट लग जाती है तो 3-4 दिन तक रहता है। सड़क दुर्घटना में तो कई लोगों का जान ही चली जाती है। जब किसी व्यक्ति की जान जाती है, कोई व्यक्ति नहीं रहता है हमारे बीच, तो सिर्फ उसकी हानि नहीं होती है, उसका पूरा परिवार अस्त व्यस्त हो जाता है ना। तो इस तरह आप लोगों को सभी को सतर्क रहकर ही ये सब चीजें करनी है, गाड़ी वाहन आदि चलाना है। ठीक है, हीरो नहीं बनना है रोड पर। हीरो आप आराम से पढ़ाई करिए, वास्तविक जीवन में हीरो बनिए। ठीक, सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय अर्थात नितिन गडकरी जी के मंत्रालय द्वारा ये जारी किया गया है। ठीक, सड़क पर ही तो चलेगी ना, सड़कों पर ही तो चलेंगी गाड़ियां, और उसी मंत्रालय के द्वारा ऐसा किया गया है। ठीक, बिल्कुल केया जी, आइए। पारुमला पेरुनल उत्सव का संबंध भारत के किस राज्य से है? पारुमला पेरुनल उत्सव इज रिलेटेड टू विच स्टेट ऑफ इंडिया? तेलंगाना, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल। तो केरल में एक स्थान हो जाता है जिसका नाम हो जाता है पारुमला। पारुमला पर एक व्यक्ति थे, बहुत ही ज्यादा धार्मिक आस्था लोग इनके प्रति रखते हैं, जिनका नाम हो जाता है क्या, मेट्रोपॉलिटन ग्रेगोरियस, है ना, मेट्रोपॉलिटन ग्रेगोरियस। और मेट्रोपॉलिटन ग्रेगोरियस के सम्मान पर ही केरल राज्य में यह मनाया जाता है। इसके अलावा भी जब हमने डेली करंट अफेयर में यह सवाल देखा था तो केरल के और भी जो ऑप्शन है उनके भी बहुत सारे फेस्टिवल्स के बारे में हमने बात की थी। आज हमारे पास समय बिल्कुल नहीं है, इसलिए हम थोड़ा आज स्पीड एकदम हवाई जहाज वाली रखेंगे, है ना, एकदम सुखोई की तरह आज हम उड़ाने वाले हैं। किस खिलाड़ी ने बैलन डी ओर पुरस्कार जीता है? बैलन डी ओर पुरस्कार का संबंध हो जाता है किस खेल से? आप बोलोगे फुटबॉल से। इसका संबंध हो जाता है फुटबॉल से, इस पुरस्कार का संबंध हो जाता है 8वीं बार लगातार, है ना, 8वीं बार किसने जीता है लगातार, मैंने गलती से बोल दिया,
आठवीं बार जीता है लियोनल मेसी, जो कि अर्जेंटीना के खिलाड़ी हो जाते हैं, अर्जेंटीना खिलाड़ी हो जाते हैं, तो यह भी आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। इसके अलावा तस्वीर भी आप इनकी यहां पर देख सकते हो, एक बार्सोलिना अर्थात स्पेन के खिलाड़ी हो जाती हैं, बार्सोलिना अर्थात स्पेन के खिलाड़ी हो जाती हैं, जिनका नाम हो जाता है एताना बोनमती, ठीक है, एताना बोनमती, और इनको महिलाओं की श्रेणी में मिला है। पुरुषों की श्रेणी में आपने देखा मेसी साहब को, इसके अलावा एताना बोनमती को जो कि बार्सोलिना स्पेन की हैं, इनको महिलाओं की श्रेणी पर मिला है यह पुरस्कार। नेक्स्ट, यूनेस्को के अनुसार निम्नलिखित में से किसे संगीत का शहर, है ना, सिटी ऑफ म्यूजिक के रूप में घोषित किया गया है? दो, एक साहित्य का शहर भी घोषित किया गया है, एक साहित्य का शहर भी घोषित किया गया है, और एक संगीत सिटी ऑफ म्यूजिक भी घोषित किया गया है। कुल मिलाकर इस तरह के 55 शहरों को अभी तक चिन्हित किया जा चुका है, इस प्रकार के 55 शहरों को यूनेस्को द्वारा चिन्हित किया जा चुका है, जो किसी ना किसी तरह से क्रिएटिव है, रचनात्मक है, है ना। तुमसे बोला जाता है ना आसपास के लोग, यार जब भी तुम अच्छा गाना गाओगे, जब भी अच्छी ड्रॉइंग बनाओगे, बोला जाएगा अरे बड़े क्रिएटिव हो आप। मतलब इन चीजों को, कला आदि को क्रिएटिव चीजों में गिना जाता है, और उसी के लिए शहरों को चिन्हित किया गया है यूनेस्को के द्वारा। यूनेस्को के बारे में बहुत सारी बातें कर चुके हैं, डेली क्लास में हम लोग एक्सप्लेन डिटेल में बातें करते हैं, यहां पर उतना समय नहीं है, डायरेक्ट उत्तर पर आते हैं। केरला का स्थान हो जाता है कोझिकोड, और कोझिकोड को लिटरेचर, है ना, सिटी ऑफ लिटरेचर अर्थात साहित्य के शहर के रूप में, ये कोझिकोड को साहित्य के शहर के रूप में, इसके अलावा ग्वालियर को संगीत के शहर के रूप में नामित किया गया है। अर्थात इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, संगीत के शहर की बात की जा रही है तो ग्वालियर हो जाएगा, साहित्य के शहर लिटरेचर के शहर की बात की जा रही है तो आप बोलेंगे कोझिकोड केरल का हो जाता है। ग्वालियर मध्य प्रदेश में स्थित है, यह भी आपको याद रखना है, ग्वालियर मध्य प्रदेश में स्थित है, यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, 3 से 5 नवंबर 2023 में वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 प्रदर्शनी का उद्घाटन कहां किया गया? वेयर द वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 एग्जीबिशन बी इनॉग्रेटेड, आपको बताना है कहां पर इसका आयोजन किया गया। मुंबई, अहमदाबाद, नई दिल्ली, इदुक्की। इदुक्की कहां है आप बोलोगे, इदुक्की तो सर केरल पे हो जाता है, और जिस प्रकार से हमको याद आ रहा है कि इदुक्की केरल का आखिरी जिला बन गया था जहां पर हॉल मार्किंग सेंटर एस्टेब्लिश किया गया है, हॉल मार्किंग सेंटर एस्टेब्लिश किया गया है। इस प्रकार से केरल पूरे राज्य के हर एक जिले पर हॉल मार्किंग सेंटर जारी करने वाला, स्थापित करने वाला एकमात्र भारत का राज्य बन गया था, यह भी हमने अच्छे से पढ़ा था। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा आप बोलोगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नई दिल्ली हो जाएगा। मिलेट्स और इंडिया, मिलिंद इसका शुभंकर हो जाता है, इसका शुभंकर हो जाता है, तो यह भी आपको याद रखना है, ठीक। इसके अलावा बहुत सारे एक्स्ट्रा फैक्ट हैं, जैसे साझेदार देश कौन सा हो जाएगा, पार्टनर कंट्री आप बोलोगे नीदरलैंड, फोकस कंट्री जापान हो जाएगा। 2017 में इसका पहला संस्करण आयोजित किया गया था, इसकी थीम क्या हो जाती है, प्रोसेसिंग फॉर प्रॉस्पेरिटी इसकी थीम हो जाती है। नेक्स्ट, देश के बाहर किस आईआईटी की प्रथम पीठ अबू धाबी में स्थापित की गई है? The first chair of which IIT outside the country has been established in Abu Dhabi? किस तरह हमने याद किया था, हमने याद किया था डी से धाबी, है ना, डी से धाबी और डी से दिल्ली बोलो, हाँ ठीक, बिल्कुल सही। रवि जी ने एक्स्ट्रा फैक्ट भी बता दिया है, आईआईटी मद्रास का भी हमने देखा था, आईआईटी मद्रास की ब्रांच एस्टैब्लिश की गई है तंजानिया पर, तंजानिया पर, तंजानिया में भी कहां आप बोलेंगे जंजी बार नाम के शहर पर। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के, है ना, कौन सा, डीकन यूनिवर्सिटी, डीकन विश्वविद्यालय की ब्रांच भारत में खुली है,
भारत में खुली है गिफ्ट सिटी गुजरात के आसपास। तो कोई नहीं, आगे सवाल आएंगे, इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, आप बोलोगे ऑप्शन बी होने वाला है, नई दिल्ली होने वाला है। आगे बढ़े, स्वाहा स्वाहा बोल रही हैं देवू जी, जबरदस्त। मैंने आप सभी को बोला है कि जब भी ऐसा लगे कि बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है, तो आप लोगों को स्वाहा लिखते रहना है। बहुत सारे एक्स्ट्रा फैक्ट हैं, आप पढ़ लेंगे। जिन बच्चों का छूटा हुआ है, देखिए जो रिविजन क्लास है बहुत सारे काम में आती है। मान लीजिए आपसे कोई फैक्ट भूल रहा है, नहीं याद आ रहा है, तो उनके भी काम में आएगा। कोई बच्चे किसी कारण से कोई क्लास नहीं ले पाए थे, उनके भी काम में आएगा, है ना। एग्जाम के पहले रैपिड रिवीजन करने के भी ये काम में आएगा। निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना भारत और बांग्लादेश के बीच शुरू की गई है, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोजेक्ट्स हैज बीन स्टार्टेड बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। क्या ये अखौरा अगरतला है, क्या ये खुलना मोगला पोर्ट रेल लाइन है, या मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट है, या इनमें से सभी है। तो आप बोलोगे इनमें से सभी यह किया गया है, ठीक, बिल्कुल। आइए नेक्स्ट, यहां पर इस प्रकार से तस्वीर थी जब यह बैठक होने वाली थी, वर्चुअल रूप से यह बैठक हुई है, ठीक। नेक्स्ट, इनको तो सभी लोग पहचानते हो ना, कौन इनका नाम मुझे बताने वाला है, इनका नाम जल्दी से बताइए, कौन मुझे बताने वाला है। सबसे पहले यह जानकारी लिखी हुई है, आप अपनी कॉपी पर अच्छे से नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट, देश के वर्कफोर्स में महिलाओं की हिस्सेदारी 22-23 में कितने प्रतिशत है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ वुमेन इन द कंट्रीज वर्कफोर्स इन 2022-23। बहुत बढ़िया पुष्टम, जबरदस्त। सभी बच्चों का उत्तर ये वाला भी सही आ रहा है जो मैंने पूछा है कि इनका नाम क्या है, तो इनका नाम हो जाता है शेख हसीना। शेख हसीना कौन हो जाती हैं, तो आप बोलेंगे बांग्लादेश जो देश है, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हो जाती हैं वर्तमान में, बांग्लादेश की, बांग्लादेश, ये क्या हो रहा है, मैं लिख रहा हूं मिट रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हो जाती हैं वर्तमान में, ठीक। आइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, पहले 17-18 के आसपास 23% हुआ करती थी, अब महिलाओं की कार्य क्षमता बढ़ रही है, महिलाएं आपको आसपास ज्यादा देखने के लिए मिल रही होंगी जहां पर भी ऑफिस आदि है, तो इस प्रकार से 37% ये हो जाता है, ठीक, जबरदस्त। एक बच्चे ने पुरुषों का भी लिख दिया है, वेरी गुड। इसी प्रकार से आपको चीजें ध्यान रखनी है, महिलाओं में बेरोजगारी दर 2.9, पुरुषों में बेरोजगारी दर 3.3, मतलब पुरुषों में बेरोजगारी ज्यादा है, ठीक, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा अब जो बेरोजगारी है 2017-18 की तुलना में काफी कम है, 2017-18 में बेरोजगारी 6% थी और 22-23 में बेरोजगारी 3.7% है, ऐसा बताया गया है इस रिपोर्ट में, ठीक। नेक्स्ट, यही है धर्मेंद्र प्रधान जी जिनके द्वारा इस रिपोर्ट की समीक्षा की गई। मैं भी बेरोजगार हूं, आप बेरोजगार ना रहें इसी के लिए तो आप पढ़ाई कर रहे हैं, है ना। तो बिल्कुल केया जी, ऐसा बात बिल्कुल सोचनी भी नहीं है। केरल ज्योति सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है, हु हैज बीन अवॉर्डेड द केरला ज्योति सम्मान। देखिए पद्म पुरस्कारों की तर्ज पर ही केरल सरकार ने 2021 में पुरस्कारों की शुरुआत की, जिसमें केरल ज्योति सम्मान सबसे ऊपर है, है ना। केरल ज्योति सम्मान सबसे ऊपर वाले होते हैं, जैसे पद्म विभूषण से आप इनकी तुलना कर सकते हो। फिर केरल प्रभा नाम से सम्मान आता है, यह एक लोगों को प्रदान किया जाएगा, केरल प्रभा दो लोगों को प्रदान किया जाएगा, फिर केरल श्री आता है तो यह 5 लोगों को प्रदान किया जाएगा, इस प्रकार की बात होती है। तो टी पद्मनाभन जी को प्रदान किया गया है यह पुरस्कार, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर, ठीक। आइए देखिए, अभी तो आप सभी लोग पढ़ाई कर रहे हैं, है ना। अगर पढ़ाई करने के बाद भी कुछ ना हो, बार बार एग्जाम दे रहे हैं फिर भी ना हो, तब आप खुद को बेरोजगार की श्रेणी पर रखिएगा। अभी तो आप स्टूडेंट है ना, अभी खुद को ऐसा मत बोलिए, बुरा लगता है, अच्छा नहीं लगता। लेखक टी पद्मनाभन को केरल ज्योति पुरस्कार, ये आप तस्वीर देख सकते हो, और हम लोग बढ़िया तरीके से जितने भी वैकेंसी आ रही है ना, सब लोग हम ही लोग लेकर जाने वाले हैं, ठीक है।
वैकेंसी देने वालों को बोल देना कि एक हमारे नाम की अभी से पर्ची काट दो, है ना। हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने किस देश में भारतीय स्टेट बैंक की शाखा का उद्घाटन किया है? इन विच कंट्री डिड फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमण रिसेंटली इनॉग्रेट द ब्रांच ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया? भारत का एक सरकारी बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अर्थात भारत का बैंक किसी अन्य देश पर उसकी ब्रांच ओपन होती है तो हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। अब देखिए, यह जो देश है श्रीलंका, पहले से ही बहुत ज्यादा परेशान है। किसके लिए? वित्त के लिए, फाइनेंस के लिए। यहां पर पहले से इकोनॉमिक क्राइसिस, आर्थिक संकट आ चुका है ना। और यहां पर उसी आर्थिक संकट से निकालने के लिए भारत के स्टेट बैंक की ब्रांच को यहां पर फिर से ओपन किया गया है। पहले से ही पांच ब्रांच यहां पर ओपन थी और पांच के बाद अब दो ब्रांच और, अर्थात सात ब्रांच अब यहां पर टोटल हो जाएंगी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। यहां पर निर्मला सीतारमण जी की तस्वीर आप देख सकते हो, त्रिंकोमाली नाम के स्थान पर और एक स्थान जाफना हो जाता है। यहां पर लिखा भी होगा त्रिंकोमाली और एक स्थान जाफना, इन दोनों स्थानों पर नई ब्रांच ओपन की गई है, ठीक। नेक्स्ट, 2023 का ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार विजेता कौन है? निम्नलिखित में से आपको बताना है। Who is the British Academy Book Winner 2023? पैगी मोहन, अरुंधति रॉय, नंदिनी दास, अशोक गाडगिल। उत्तर क्या होगा? अशोक गाडगिल तो यूएसए के प्रेसिडेंट जो बाइडेन जी के द्वारा इनको वैज्ञानिकों वाला पुरस्कार दिया गया है, ठीक। तो ये तो उत्तर नहीं होगा। पैगी मोहन जी को मातृभूमि पुरस्कार प्रदान किया गया है। इसके अलावा अरुंधति रॉय जी भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं होगा। इनको यूरोपीय पुरस्कार प्रदान किया गया है। किसके लिए प्रदान किया गया है? इनका एक निबंध पुस्तक हो जाती है आजादी, उसके लिए प्रदान किया गया है। और इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? नंदिनी दास हो जाएगा। इनकी बुक का नाम कोर्टिंग इंडिया हो जाता है। क्या हो जाता है? कोर्टिंग इंडिया इनकी बुक का नाम हो जाता है, जहां पर किस प्रकार से अंग्रेज भारत आते हैं, किस प्रकार से भारत पर वह व्यापार करने आते हैं और फिर राज करने लग जाते हैं। उस समय मुगलों का शासन था। यह सारी बातें यहां बताई गई हैं। यह जो अवार्ड दिया जाता है नॉन, मतलब वास्तविक घटनाओं पर आधारित पुस्तकों का भी प्रदान किया जाता है। ये आप देख सकते हो, यहां पर तस्वीर भी आपको देखने के लिए मिलेगी नंदिनी दास जी की। कोर्टिंग इंडिया इनकी बुक का नाम हो जाता है, ठीक। इसके अलावा जो अन्य पुरस्कारों की हमने बात की, जैसे यूरोपीय निबंध पुरस्कार अरुंधति रॉय जी को, मातृभूमि पुरस्कार पैगी मोहन जी को, इसके अलावा अशोक गाडगिल, सुब्रा सुरेश जी को जो बाइडेन द्वारा पुरस्कार प्रदान किया गया है, नंदिनी दास जी को पुरस्कार प्रदान किया गया है। ये सारी बातें यहां लिखी भी हुई है। इन कोर का संबंध किससे हो जाता है? आपको बताना है चुनाव आयोग से, सुप्रीम कोर्ट से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या शिक्षा मंत्रालय। उत्तर क्या होगा? जबरदस्त। देखिए, सुप्रीम कोर्ट यूपी पेट का एग्जाम जिन भी बच्चों ने दिया है तो उनको पता होगा कि एक सुस्वागतम नाम का एक पोर्टल आपसे पूछा गया था, एक एप्लीकेशन आपसे पूछा गया था, जहां पर जो भी आगंतुक हैं, जो भी सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही आदि देखना चाहते हैं, उनके लिए ई पास, ई टिकट का काम करने वाला है, ठीक है। इनको यह मुख्य रूप से इलेक्शन के काम में आता है। यह हो जाएगा इसका उत्तर, ठीक है। चुनाव आयोग का मुख्य रूप से चुनाव की जो काउंटिंग होती है, जो भी पीठासीन अधिकारी, जो भी ऑफिसर्स होते हैं, उनके बीच में अच्छे से कम्युनिकेशन बना रहे, इसके लिए यह होता है, ठीक है। कलुआ डाकू जी क्या बोल रहे हैं? कुछ तो बोल रहे हैं, कोई नहीं। आइए देखिए, यहां पर इसका फुल फॉर्म भी है, आप देख सकते हैं, इनेबलिंग Communications on रियल टाइम environment, यह इसका फुल फॉर्म हो जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने मुख्य सूचना आयुक्त पद की शपथ ली है? देखिए, सूचना आयोग हो जाता है हमारे यहां का, जिसकी स्थापना की गई थी अक्टूबर 2005 में जिसकी स्थापना की गई थी। सूचना आयोग की बात की जा रही है, सूचना आयोग की बात की जा रही है। इनको शपथ कौन दिलाता है? आप बोलोगे शपथ दिलाने का काम राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है ना। तो यहां पर जानकारी इतनी।
कौन बने हैं? हीरा लाल सामरिया, वाई के सिन्हा, आनंदी रामलिंगम, विनोद कुमार तिवारी। तो आप बोलोगे वाई के सिन्हा अभी तक इस पद पर आसीन थे, अक्टूबर पर ही ये रिटायर हो गए थे, तब से ये पद खाली था। अब हीरा लाल सामरिया इस पद पर आसीन हुए हैं। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, भूलने की बिल्कुल भी कोशिश ना करें, बार बार याद रखिएगा। कैसे याद रखेंगे? हीरा, आपकी जो इंफॉर्मेशन है, आपकी जो जानकारी है, तो वो आपके लिए हीरे से भी ज्यादा कीमती होती है। ठीक है, सूचना की, केंद्रीय सूचना आयोग के मुख्य कौन हो गए हैं? प्रमुख हो गए हैं। आप बोलोगे हीरा लाल सामरिया इनका नाम हो जाएगा। ठीक, ये प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जी, उपराष्ट्रपति जी, बगल में हमारे सूचना आयुक्त। अब देखिए इस सवाल का उत्तर आप सभी बताइए, तब तक मैं थोड़ा पानी पी लूं, है ना, अभी आधे घंटे और आपकी क्लास चलने वाली है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं? बहुत बढ़िया, जबरदस्त, सभी बच्चों ने शानदार रूप से बात कही है। सुमन जी लगता है पहली बार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सुमन जी इस सवाल को पढ़ते हैं एक बार, फिर मैं बताता हूं कि आखिर गलती कहां हुई है। जल दिवाली अभियान का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है? जल दिवाली कैंपेन इज बींग ऑर्गेनाइज बाय विच मिनिस्ट्री? यह सवाल इसी के रूप में मैंने स्पेशल बताया था कि यह जो सवाल है जल शक्ति मंत्रालय, इसका उत्तर बिल्कुल नहीं होगा। बहुत सारे बच्चे इस पर कंफ्यूज होंगे क्योंकि यहां पर भी जल आपको देखने के लिए मिल रहा है, यहां पर भी आप जल देखोगे तो उत्तर कर दोगे, लेकिन नहीं, इसका उत्तर होगा आवासन और शहरी मामलों का मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। इसके द्वारा किया क्या जाएगा? स्थान स्थान पर जाकर जो एनजीओ वाले लोग हैं वो लोगों को जागरूक करेंगे और उनके आसपास के जो भी चीजें हैं, जो भी जल से संबंधित आप बोल सकते हो स्रोत हैं, जल के स्रोत हैं, उनको साफ सुथरा रखने के लिए किस प्रकार से वो खुद से क्लीनिंग आदि कर सकते हैं, इसके लिए जागरूक यहां पर किए जाने की बात कही जा रही है जल दिवाली के तहत। यहां पर मुख्य रूप से आपको थीम भी देखने के लिए मिलेगी, महिलाओं के लिए पानी और पानी के लिए महिलाएं, है ना, जो एनजीओ की महिलाएं हैं वो जगह जगह जाएंगी और लोगों को जागरूक करेंगी। ठीक, इतनी बात यहां पर की गई और ये थीम भी आपको याद रखना है, वॉटर फॉर वुमेन, वुमेन फॉर वॉटर, वॉटर फॉर वुमेन, वुमेन फॉर वॉटर। ठीक है, www, भगवान हरी जी ने बोला है कि सर मेरा कमेंट नहीं दिख रहा है क्या? वुमेन फॉर वुमेन, वॉटर फॉर वुमेन, फॉर वॉटर, वॉटर फॉर वुमेन, नवंबर को यह चलाया गया था, जल दिवाली इसका नाम हो जाता है। नेक्स्ट, 11वां सुल्तान जोहर कप में स्वर्ण पदक विजेता टीम कौन सी है? आपको बताना है विच इज द गोल्ड मेडल विनिंग टीम इन द 11 सुल्तान जोहर कप। कहां आयोजन हुआ? आप बोलेंगे मलेशिया में आयोजन हुआ, मलेशिया में आयोजन हुआ। किससे संबंधित हो जाता है? आप बोलेंगे हॉकी से संबंधित हो जाता है। कौन सी टीम विजेता रही? आप बोलोगे जर्मनी टीम विजेता रही। ठीक है, जर्मनी टीम विजेता रही, किसको हराया? आप बोलोगे ऑस्ट्रेलिया को हराया। फिर भारत की टीम जो है उसने कांस्य जीता है, किस टीम को हराकर जीता है? तो आप बोलोगे पाकिस्तान को हराकर कांस्य जीता है। ठीक, तो ये बातें भी आपको याद रखनी है जबरदस्त तरीके से। ठीक, नेक्स्ट, इंटरनेशनल क्रिकेट में टाइम आउट होने वाले पहले खिलाड़ी एंजेलो मैथ्यूज किस देश के खिलाड़ी हैं? एंजेलो मैथ्यूज द प्लेयर टू बी टाइम्ड आउट इन इंटरनेशनल क्रिकेट इज द प्लेयर फ्रॉम विच कंट्री? वेस्ट इंडीज, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका, बांग्लादेश। उत्तर क्या होगा? तो बांग्लादेश वर्सेस श्रीलंका का मैच था, एक खिलाड़ी के आउट हो जाने पर दूसरे खिलाड़ी को आकर 3 मिनट के अंदर अपनी पहली गेंद खेलनी होती है, लेकिन माइकल एंजेलो जो है ऐसा करने में, है ना, एंजेलो मैथ्यूज जो है
ऐसा करने में नाकाम रहे और आउट उनको करार दे दिया गया, श्रीलंका के ये खिलाड़ी हो जाते हैं। बिल्कुल, अगर किसी भी कारण से आप ये क्लास अभी नहीं देख पा रहे हैं तो क्लास सेव रहेगी, आप बाद में आकर देख लीजिएगा, लेकिन पूरा देखना आपके लिए जरूरी है। बिल्कुल, हेलमेट की वजह से जबरदस्त तरीके से यहां पर जो हेलमेट देखने के लिए मिल रहा है, इस पर थोड़ी खराबी आ गई थी जिसको सुधारने के लिए इशारे ही करते रह गए और बगल से इनको आउट करार दे दिया गया था। ठीक है, देख सकते हो 146 साल के इतिहास में, मतलब आज तक क्रिकेट में किसी को भी टाइम आउट नहीं दिया गया है, शुरुआत इन्हीं से की गई। ठीक, आइए, निम्नलिखित में से कौन ग्रैंड स्विस जीतने वाली पहली भारतीय बनी है? Who among the following become the first Indian to win the Grand Swiss? विदित गुजराती, आर वैशाली, प्रियंका नटुक्की, सविता शीस का उत्तर होगा। तो देखिए, आप सभी को अच्छे से ये याद रखना है कि आर वैशाली, जो कि आर प्रज्ञानंदन का नाम आपने आप सभी ने सुना होगा, है ना, आर प्रज्ञानंदा की बहन हो जाती हैं, ये भी एक ग्रैंड मास्टर रही हैं, आर वैशाली इनका नाम हो जाता है। महिला वर्ग में इन्होंने जीता है, पुरुष वर्ग में विदित गुजराती ने जीता है, है ना। महिला वर्ग अर्थात महिला श्रेणी में, फीमेल कैटेगरी में आर वैशाली ने जीता है और पुरुष श्रेणी पर विदित गुजराती ने इस प्रतियोगिता को जीता है, लेकिन दोनों में से पहले आर वैशाली ने जीता है, तो आप आर वैशाली उत्तर करोगे। ठीक, नेक्स्ट, ये तस्वीर आप देख सकते हो, ये है विदित गुजराती, ये है आर प्रज्ञानंदा जी की बहन और इनका नाम हो जाता है आर वैशाली। ठीक है, नेक्स्ट, यहां पर जानकारी भी लिखी हुई है, आप अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। प्रचारित कृषि समाचार निगरानी और विश्लेषण के लिए पहला एआई संचालित समाधान का नाम क्या है? कृषि 24/7, अमा कृषाई, जस्ट आस, एग्री 24/7। तो कृषि 24/7 आखिर ये है क्या? तो एक प्रकार से ये प्लीज अंजलि मैम को इन्फो दीजिए कि कंप्यूटर बैच लाएं। बिल्कुल, अभी भी आपकी कंप्यूटर की क्लास फ्री में पड़ी हुई है यूट्यूब पर, आप जाकर देख सकते हैं शानदार रूप से, वहां से बहुत सारे क्वेश्चन अंजलि मैम द्वारा जो पढ़ाए गए हैं डायरेक्ट आ रहे हैं, है ना। तो आप एक बार उनको ही खत्म कर लीजिए, आप इंतजार मत कीजिए कि जब बैच आएगा तब हम पढ़ेंगे, वहां से भी आप बोलेंगे कि 90% क्वेश्चन तो वहीं से आ रहे हैं, डायरेक्ट एज इट इज क्वेश्चन छप के आ रहे हैं, है ना। देखिए, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, आप बोलोगे कृषि 24/7, इसका उत्तर हो जाएगा मुख्य रूप से जो भी किसान भाई बहन है 24 घंटे वह अपने समस्याओं के समाधान के लिए इससे बातचीत कर सकते हैं, तो ये होने वाला है। उड़ीसा सरकार के द्वारा अमा कृषाई चालू किया गया था, उड़ीसा सरकार के द्वारा, मध्य प्रदेश सरकार का हो जाता है जस्ट आस्क। ठीक, और एक जुगलबंदी भी हो जाता है, एक जुगलबंदी नाम से है, ये माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया जा रहा था। किसके द्वारा, आप बोलोगे माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया जा रहा है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक, नेक्स्ट, आगे बढ़े, नेक्स्ट, बिल्कुल हमारा क्लास 10-15 वाला होगा, वो रेगुलर रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, आज उस पर भी करंट अफेयर पढ़ाया जाएगा, अवार्ड पढ़ाया जाएगा। ठीक, अब देखिए, ये रही तस्वीर, यहां पर जानकारी लिखी हुई है, आप लोग पढ़ लेंगे। सवाल की तरफ आते हैं, अगला सवाल आपके सामने, पहली यूएस नेशनल गतका चैंपियनशिप का विजेता कौन सी टीम रही है? विच टीम वॉज द विनर ऑफ फर्स्ट यूएस नेशनल गतका चैंपियनशिप? क्या इसका कैनसस गतका एसोसिएशन उत्तर होगा, क्या एनजे गतका एसोसिएशन उत्तर होगा, न्यूयॉर्क गतका एसोसिएशन, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आयोजन भी यूएसए में ही हुआ था। गतका क्या होता है, तो आप बोलोगे ये एक पंजाब से संबंधित, है ना, पंजाब से संबंधित, भारत के पंजाब से संबंधित एक मार्शल आर्ट हो जाता है, एक मार्शल आर्ट हो जाता है, एक मार्शल आर्ट हो जाता है। न्यूयॉर्क की टीम इसकी विजेता रही है, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। दूसरे नंबर पर कैंसस आई है, तीसरे नंबर पर आपको एनजे देखने के लिए मिलती है। ठीक, नेक्स्ट, यहां पर इस तरह की तस्वीर है, आते हैं अगले सवाल के ऊपर। महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी 2023 का विजेता कौन सी टीम है? विच टीम इज द विनर ऑफ वुमेन्स एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी 2023? तो देखिए, एशियन हॉकी की अगर बात करते हैं तो पुरुषों वाला भी किसने जीता है,
भारत ने जीता है। महिलाओं वाला भी किसने जीता है? आप बोलेंगे भारत ने ही जीता है। पुरुषों वालों में मलेशिया को हराया गया था और महिलाओं ने हराया है जापान की टीम को। ब्रॉन्ज किसने जीता है? ब्रॉन्ज अर्थात कांस्य जीता है। कांस्य जीता है आप बोलोगे चीन ने। और यहां पर सिल्वर किसने जीता था? जापान ने जीता था। होस्ट आप बोलोगे मलेशिया रहा है, ठीक। और ये भारत का दूसरा हो जाता है ना, सेकंड मेडल हो जाता है। कहां लिख दूं? यहां लिख देता हूं, दूसरा पदक हो जाता है भारत का। 2016 में भारत ने पहली बार ये पदक जीता था। यहां पर जानकारी भी आपको लिखी हुई मिल रही है कि सलीमा टेटे जो है उनको प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के रूप में घोषित किया गया। संगीता कुमारी सबसे अधिक 6 गोल इन्होंने किए। इसके अलावा भारत ने कहां पर लिखा हुआ है दूसरी बार स्वर्ण पदक जीता है, यह भी आप याद रखेंगे, ठीक। नेक्स्ट, 2016 में भारत ने पहली बार यह खिताब अपने नाम किया था। यहां पर जानकारी लिखी हुई है सारी आपके सामने। चाणक्य डिफेंस डायलॉग 2023 का आयोजन किस स्थान में हुआ? इन विच प्लेस वॉज चाणक्य डिफेंस डायलॉग 2023 ऑर्गेनाइज्ड? अहमदाबाद, गांधीनगर, नई दिल्ली, मुंबई। तो आप बोलेंगे इसका उत्तर भी क्या हो जाएगा? आप बोलेंगे इसका उत्तर भी हो जाएगा नई दिल्ली, ठीक है, बिल्कुल। अब थोड़ा तेज तेज कराते हैं क्योंकि समय ज्यादा हो चुका है ऑलरेडी और अभी भी हमारे पास सवाल काफी सारे हैं। यहां पर जानकारी लिखी हुई है चाणक्य हो क्या जाता है, तो एक प्रकार से आप देख सकते हैं कि यहां पर बहुत सारे सेना के जवान आदि बैठे हुए हैं, तो वही सेना के जवान आदियों का एक डायलॉग हो जाता है, एक मंच हो जाता है जहां पर वो आप अपनी समस्या बताएंगे, आप अपनी समस्या बताएंगे और उस प्रकार से समस्याओं का निराकरण करते हुए पॉलिसी अर्थात नीतियां बनाई जाएंगी। नवंबर 2023 में परियोजना 15B के तहत किस युद्ध पोत का अनावरण किया गया है? देखिए युद्ध पोत है ना, अर्थात जिसको वॉरशिप बोला जाता है, इनके लिए एक प्रोजेक्ट चलाया गया है 15B, जिसके तहत 4 शिप बनाए जाने की बात कही गई थी। एक विशाखापट्टनम जो कि पहला था, मोरमो गोवा दूसरा था, इंफाल तीसरा और सूरत अभी अभी इसको रिलीज किया गया है। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर, ठीक, सूरत हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। आप यहां पर देख सकते हो 2011 में यह परियोजना का निर्माण शुरू हुआ था, ठीक। नेक्स्ट, समाजगत बदलाव लाने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पहल को बढ़ावा देने के लिए किस टीवी चैनल ने महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के साथ हाथ मिलाया है, समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? और एक तरह से आप बोल सकते हो, एक अभी अभी मैंने एड भी देखा था, एक उस एडवर्टाइजमेंट में क्या था कि एक छोटी सी बच्ची लगभग 11-12 साल की थी, उसको लेकर उसके मम्मी पापा गए हैं दर्जी की दुकान पर, बोला है कि उसके लिए लहंगा सिल दीजिए। तो धोबी भैया जो भी दर्जी भाई साहब थे बड़े अच्छे थे, उन्होंने बोला कि उम्र क्या है इसकी, तो बोले कि लगभग 11-12 के आसपास है, आप लहंगा सिल दीजिए, हमको इसकी शादी का जोड़ा बनवाना है। तो बोले कि नहीं, हम नहीं बनाएंगे और ना ही किसी को बनाने देंगे, अगर आप ऐसा करते हैं तो हम 10-9-8 पर आपकी शिकायत कर देंगे कि आप एक बच्चे के साथ उसके अधिकार का हनन कर रहे हैं, उसके साथ अत्याचार कर रहे हैं, आपको जेल जाना पड़ेगा, ठीक है। आप कोई भी हो, आप मम्मी पापा ही हो, आप बच्चों के साथ अत्याचार नहीं कर सकते हैं, है ना, ये आपको याद रखना है। कलंस टीवी का ये शो हो जाता है, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर, डोरी इसका नाम हो जाता है, ठीक। नेक्स्ट, यहां पर जानकारी लिखी हुई है, एक्स्ट्रा फैक्ट आप नोट कर लीजिएगा। ऑस्ट्रेलिया भारत शिक्षा एवं कौशल परिषद की पहली बैठक का आयोजन कहां हुआ? महत्वपूर्ण क्यों है? किसी भारत के बाहर की यूनिवर्सिटी के द्वारा भारत में शिक्षा और कौशल मतलब एजुकेशन और स्किल दोनों के लिए बैठक की जा रही है। IIT गांधीनगर में यह बैठक की गई थी। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर, ठीक। गांधीनगर IIT, मारिक जी का बिल्कुल सही उत्तर, जबरदस्त, शानदार। यहां पर जानकारी लिखी हुई है, आप याद रख सकते हैं IIT गांधीनगर। नेक्स्ट, किसने नई दिल्ली में साइलेंट कन्वर्सेशन है ना फ्रॉम मार्जिन टू द सेंटर नामक एक कला प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है? हमने कैसे याद किया था? साइलेंट अर्थात साइलेंट वैली, साइलेंट वैली जो कि नेशनल पार्क है जहां पर शेर बहुत ज्यादा है, तो उन्हीं शेरों के लिए ही यह डेडिकेटेड है, अर्थात शेरों अर्थात टाइगर है ना, टाइगर को यह डेडिकेटेड है, टाइगर अर्थात बाघ है ना,
टाइगर को ये डेडिकेटेड है। यह भी आपको याद रखना है कि 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट आया था और 2023 में इसके 50 साल पूरे हो गए हैं, यह जानकारी भी आपको होनी चाहिए। द्रौपदी मुर्मू जी जो कि हमारे देश की राष्ट्रपति हैं, उनके द्वारा ऐसा किया गया है। ठीक, नेक्स्ट ये जानकारी लिखी है, एक्स्ट्रा फैक्ट। रैंक वन आपको बताना है, आईसीसी की वनडे रैंकिंग में पहले स्थान पर कौन सा बैट्समैन है और पहले स्थान पर कौन सा बॉलर अर्थात गेंदबाज है। बैट्समैन की बात करते हैं तो शुभमन गिल पहले स्थान पर बैट्समैन हो जाएगा। बाबर आजम को इन्होंने पीछे छोड़ दिया है। इसके अलावा अगर रैंकिंग में बात करते हैं गेंदबाज की तो आप बोलेंगे इनका नाम हो जाता है मोहम्मद सिराज। ठीक, जबरदस्त, यहां पर तस्वीर भी है, शुभमन गिल, मोहम्मद सिराज। नेक्स्ट, तवांग उत्सव का आयोजन किस स्थान में प्रारंभ हुआ? वेयर डिड द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ तवांग उत्सव आपको बताना है। यहां पर आपको वेयर करना है ना, वेन नहीं, वेयर। तो कहां हो जाएगा? आप सभी को पता है हमने बात की थी अरुणाचल प्रदेश, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तस्वीर भी आइए आपको दिखाता हूं, इस प्रकार की तस्वीर आपको देखने के लिए मिलेगी। अरुणाचल प्रदेश का ये बौद्ध धर्म से संबंधित एक उत्सव हो जाता है, आसपास के सभी लोग यहां पर शामिल होते हैं। इसके अलावा मोनपा समुदाय के द्वारा ये मनाया जाता है, 2012 से इस उत्सव की शुरुआत हुई थी। मोनपा समुदाय 2012 से शुरुआत, इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश पर ही मनाया जाता है। सेवाग यहाँ की एक प्रथा हो जाती है, जहां पर ये सेवाग, जहां पर आप बोल सकते हो ये जो मॉन्क हैं, भिक्षु हैं, अपने मठ से निकलकर, तवांग मठ से निकलकर इस उत्सव के स्थान पर आते हैं, एक रैली हो जाती है अरुणाचल प्रदेश पर मोनपा समुदाय। कौन ब्रिटेन के इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियर्स का नेतृत्व करने वाली पहली भारतवंशी महिला बनी है? हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन ओरिजिन टू लीड ब्रिटेन्स इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियर्स? उत्तर क्या होगा? आप बोलेंगे अनुषा शाह, इसका बिल्कुल सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन सी, अनुषा शाह, ब्रिटेन का जो सिविल इंजीनियर्स का ग्रुप है उसकी अध्यक्ष। बिल्कुल जल्दी ही बस छुट्टी होने वाली है, थोड़ा सा इंतजार और। पहला स्वदेश स्टोर हैदराबाद में खुला है, किस कंपनी का आपको बताना है ना, किस कंपनी का फर्स्ट स्वदेश स्टोर ओपेंड इन हैदराबाद? भारत का जो आर्ट कल्चर है, भारत की जो कला है, संस्कृति है, उनसे जुड़े हुए जो भी बहुत सारे चीजें होती हैं, गुड्स होते हैं, उत्पाद होते हैं, उनको इस स्टोर में बेचा जाएगा। और इस स्टोर को खोला गया है रिलायंस रिटेल के द्वारा, और खोलने के लिए यहां पर नीता अंबानी जी की तस्वीर आप देख सकते हो। ठीक, क्या नाम? स्वदेश। क्या नाम? नाम अच्छे से याद रखिएगा, स्वदेश। स्वदेश अपना देश, और अपने देश पर अपने देश की बनाई हुई चीजें ही बेची जाएंगी। हैदराबाद पर यह स्टोर खोला गया है। ठीक, ये देख सकते हो अपने देश की यहां पर मूर्ति कला, ये सारी कृतियां यहां पर रखी गई है। ठीक, बहुत बढ़िया, शानदार, सीईओ का नाम भी बता दिया गया है, जबरदस्त। हितेश कुमार जी का नाम आपको याद रखना है, हितेश सर आपको पढ़ाते हैं रीजनिंग पढ़ने के लिए भी आप उनसे आ सकते हो, और उन्हीं हितेश सर के नाम पर ही हितेश कुमार जी इनका नाम हो जाता है, हितेश कुमार एस मकवाना, और भारत के महासर्वेक्षक ये नियुक्त हुए हैं। महासर्वेक्षण ये जो हो जाता है, आप बोल सकते हो भारतीय सर्वेक्षण विभाग के मुखिया हो जाते हैं, वही भारतीय सर्वेक्षण विभाग जिसका मुख्यालय देहरादून में हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट, किस स्थान में राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों के 14वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन हुआ? वियतनाम, डेनमार्क, फिनलैंड, भारत? क्या होगा उत्तर? तो आपने देखा है कि भारत के जो मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं यहां पर शामिल होने के लिए गए हुए थे, डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में, हमने इनके बारे में देखा था, अरुण मिश्रा जी इनका नाम हो जाता है, कोपेनहेगन डेनमार्क पर गए हुए थे, डेनमार्क इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। इन विच प्लेस वॉज द 14th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट इंस्टीट्यूशंस हेल्ड? आप बोलेंगे अरुण मिश्रा जी गए हुए थे, कहां गए हुए थे? कोपेनहेगन गए हुए थे, डेनमार्क की कैपिटल हो जाती है। ठीक, नेक्स्ट,
पहली भारत अमेरिका डिफेंस एक्सेलरेशन इकोसिस्टम इंडस एक्स, इंडिया यूएस एक्स, ठीक है। निवेशक बैठक का आयोजन कहां हुआ है? न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन, नई दिल्ली, मुंबई, आपको बताना है इसका उत्तर। आप देख भी सकते हैं कि यहां पर एक तरफ निवेशक रहेंगे और एक तरफ निवेशक रहेंगे और एक तरफ बहुत सारे उद्यमी रहेंगे जो नए नए उद्यम ले आएंगे और इन दोनों के बीच की एक बैठक होने वाली है। आपको इसका उत्तर बताना है क्या होने वाला है, जल्दी से बताइए। जबरदस्त, नई दिल्ली इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक, नई दिल्ली। नेक्स्ट, 37वें राष्ट्रीय खेलों में 200 पदक हासिल करने वाली पहली टीम कौन सी बनी है? Which has become the first team to win 200 medals in 37th national games? गोवा, महाराष्ट्र, सर्विसेज, हरियाणा या इनमें से कोई नहीं, मध्य प्रदेश, आप बोलेंगे इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा 200 से अधिक, आप बोलेंगे महाराष्ट्र टीम ही हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर, ठीक। नेक्स्ट, चिली अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का किस क्रमांक का सदस्य देश बन गया है? आपको बताना है 90, 95, 100, 105, क्या होगा सही उत्तर? चिली हैज बिकम द विच नंबर ऑफ मेंबर कंट्री ऑफ इंटरनेशनल सोलर एलियंस ISA, 90, 95, 100, 105, तो आप सभी बोलेंगे बिल्कुल सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? 95 हो जाएगा। सदस्य देशों की बात यहां पर की जा रही है, सिग्नेटरी सिर्फ इस जो सभी आप बोल सकते हो घोषणा पत्र था उस पर साइन करने वाले देश अलग हो जाते हैं, जिन्होंने इन सभी शर्तों को माना है उन देशों की संख्या हो जाती है 116, लेकिन सदस्य देश जो इस विचार पर एक साथ मिलकर काम भी करना शुरू कर दिए हैं, काम करने वालों की संख्या हो जाती है 95, और 95 कंट्री कौन सा बना है? चिले, ठीक। अजय माथुर जी इसके चीफ हो जाते हैं, 2015 में इसकी स्थापना हुई है, सारी जानकारी आपको अच्छे से मालूम होनी चाहिए। नेक्स्ट, चिले की राजधानी सेंटियागो हो जाती है, पेसो इसकी करेंसी हो जाती है। डीबी चंद्र गौड़ा का निधन हो गया है, इनका संबंध किस राज्य से था? डीबी चंद्र गौड़ा पास्ड अवे रिसेंटली, ही वाज बिलोंग टू विच स्टेट? आप बोलेंगे कर्नाटक से इनका संबंध था, कर्नाटक विधानसभा के अध्यक्ष भी रह चुके थे, 3 बार के विधायक भी रह चुके थे, है ना, तो ये सारी जानकारी आपको होनी चाहिए, तस्वीर भी आप देख सकते हैं। सिंगापुर के वर्तमान प्रधानमंत्री का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ सिंगापुर? आप बोलेंगे इनका नाम हो जाता है ली सीएन लूंग, ली सीएन लूंग, ली सीएन लूंग इनका नाम हो जाता है। इन्होंने बोला है कि 2024 में जो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर है, उप प्रधानमंत्री है लॉरेन वॉग, उनको ये बागडोर थमा देंगे 2025 के चुनाव के पहले, तो अभी वर्तमान में आंसर क्या हो जाएगा? ली सीएन लूंग। थाविसीन कौन हो जाते हैं? ये थाईलैंड के हो जाते हैं, इनका संबंध थाईलैंड से हो जाता है, थाईलैंड के पीएम हो जाते हैं। इसके अलावा मोइनम मुइज्जू हो जाते हैं मालदीव के, मालदीव के हो जाते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है मालदीव के हो जाते हैं, ठीक। नेक्स्ट, ये जानकारी है नोट कर लीजिएगा, किस बैंक को चेंज मेकर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है? Which bank has been honored with the change maker of the year award? तो देखिए, जब भी किसी देश में आर्थिक संकट आता है, कोई भी संकट आता है, तो वहां के केंद्रीय बैंक की भूमिका बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। केंद्रीय बैंक अगर अच्छे से काम कर लेता है तो उस देश पर कोई भी आपातकाल की जैसी स्थिति नहीं आती है, वित्तीय संकट नहीं आ पाता है, एक प्रकार से बैलेंस बनाने का काम करता है कौन? हमारा RBI अर्थात हमारा केंद्रीय बैंक। और इसी प्रकार से कोविड की स्थिति पर जिस प्रकार से इस बैंक ने कार्य किया है, इसके लिए इसको चेंज मेकर ऑफ द ईयर के लिए सम्मानित किया गया है, ठीक है। स्थिरता बनाए रखी है आरबीआई ने, शक्तिकांत दास आरबीआई के गवर्नर। लीला ओम चेरी का निधन हो गया, इनका संबंध किस क्षेत्र से था? आप बोलेंगे इनका जन्म कहां हुआ था? जन्म इनका तमिलनाडु पर हुआ था, पद्मश्री इनको मिला था 2008 में, और इनका संबंध हो जाएगा संगीतकारी हो जाती हैं, एक म्यूजिशियन हो जाती हैं, है ना, कर्नाटक संगीत से इनका संबंध हो जाता है, कर्नाटक संगीत से इनका संबंध हो जाता है, ठीक। नेक्स्ट,
तमिलनाडु की रहने वाली हैं, ये भी आपको याद रखना है ना। जन्म कहां हुआ था? तमिलनाडु पर इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट, यहां पर एक्स्ट्रा फैक्ट आपके सामने है, कैंसर जागरूकता दिवस हमने मनाया है 7 नवंबर को। इसके अलावा बहुत सारे उत्तर प्रदेश सरकार ने गोवंश की गणना करने के लिए बोला है। भूटान के राजा जिनका नाम है खेसर वांगचुक, वो भी भारत की यात्रा पर आए हुए थे, तो ये जानकारी भी आपके सामने है। दुनिया की सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली महिला प्रमुख कौन है? क्या इनका नाम शेख हसीना है, इंदिरा गांधी है, या भंडार नायक है, या इनमें से कोई नहीं? जल्दी बताइए कौन बताने वाला है। रूपा, छाया, स्नेहा, मधु, इंद्रजीत, गोपाल, अजय। बहुत बढ़िया, शेख हसीना इनका नाम हो जाता है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री है। टाइम्स का, टाइम्स मैगजीन के कवर में इनकी फोटो है, ये याद रखिएगा। डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि टाइम मैगजीन के कवर में किस राष्ट्रनायक की फोटो आपको देखने के लिए मिली है। ठीक, अब देखिए एक सवाल आपके सामने, किस देश में आईआईटी मद्रास के प्रथम अंतरराष्ट्रीय परिसर की स्थापना की गई है? इस सवाल को हम पहले ही देख चुके हैं, आईआईटी मद्रास तंजानिया में ये ओपन हुआ है। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक, नेक्स्ट, क्रिकेट विश्व कप फाइनल आपको बताना है 2023, 19 नवंबर 2023 को कहां होने वाला है, किस स्टेडियम में होने वाला है आपको बताना है। कल के होमवर्क में भी मैंने यही सवाल पूछा था, आप बोलेंगे नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होने वाला है, भारत और ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाला है, 19 नवंबर को होने वाला है, अर्थात संडे को हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट, ये आप देख सकते हो। ठीक, आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 के फाइनल में भारत का मुकाबला किस टीम से होगा? अभी अभी हमने देखा है, विच टीम विल फेस द इंडिया इन फाइनल, आप बोलोगे ऑस्ट्रेलिया विल फेस द इंडिया। ठीक, नेक्स्ट, इस प्रकार की तस्वीर, विराट कोहली जी को आप देख सकते हो यहां पर। वनडे क्रिकेट के इतिहास में 50 शतक लगाने वाले पहले क्रिकेटर कौन बन गए हैं? आप बोलोगे विराट कोहली बन गए हैं, हमारे चीकू भैया हो गए हैं पहले खिलाड़ी जिन्होंने 50 शतक पूरे कर लिए हैं आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में। ये कौन है? रोहित शर्मा जी हैं। सवाल देखिए, वनडे विश्व कप के इतिहास में सर्वाधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड किसके नाम है? तो इन्होंने किस गेल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, और अब हमारे रोहित शर्मा द हिटमैन, द हिटमैन ये आ चुके हैं शीर्ष स्थान पर सर्वाधिक छक्के लगाने वालों में। इसके अलावा ये कौन हो जाती हैं? आइए इनके बारे में देखते हैं। सवाल आपको बताना है, उत्तर क्या होगा? माउंट एवरेस्ट के सामने से 21,500 फीट की ऊंचाई से स्काई ड्राइविंग करने वाली महिला का नाम क्या है? शीतल महाजन, सिंधु रेड्डी, रायन्ना बरनावी, या फांगनोन कोन्याक? तो आप बोलेंगे इनका नाम हो जाता है शीतल महाजन। ठीक है, शीतल महाजन इनका नाम हो जाता है। सिंधु रेड्डी बास्टिल डे परेड, रायन्ना बरनावी सऊदी अरब की अंतरिक्ष यात्री, फांगनोन कोन्याक नागालैंड की, और राज्यसभा की पहली महिला राज्यसभापति बनी थी, है ना, सभापति बनी थी। ये कौन है? चीन के राष्ट्र सी जिनपिंग। ये कौन है? आप बोलोगे अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन भाई साहब। और अपेक की मीटिंग अभी अभी हुई है, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन की बैठक अभी अभी हुई है, तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। कहां बैठक हुई है? तो आप बोलोगे अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में, अभी अभी 30वीं बैठक हुई है, 30th मीटिंग हुई है, आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। सवाल देखिए कैसा बन सकता है आपसे एग्जाम में, 30वीं एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग की बैठक का आयोजन किस स्थान में हुआ है? चीन, पेरू, थाईलैंड या अमेरिका? आप बोलेंगे अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में। पिछले साल का कहां हुआ था? तो आप बोलोगे 2022 का हुआ था थाईलैंड में, और 2024 का कहां होगा? आप बोलोगे पेरू में होगा। ठीक, और यहां पर ये जो भाई साहब है ना, तो इन्होंने इनकी आंखों में आंखें डाल के बोल भी दिया कि जिस ताइवान को आप हथियार बेच रहे हो, उस ताइवान को जल्दी ही हम अपना देश बना लेंगे। यहां पर आपको ताइवान कुछ देखने के लिए मिलता है, यहां पर आपको कुछ ताइवान देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो ये अमेरिका जी हैं, अमेरिका जी इनको हथियार देते हैं, और ये बोल रहे हैं कि इस पूरे को हम कब्जिया लेंगे जल्दी से। ठीक, नेक्स्ट, नौवां भारत अंतरराष्ट्रीय विज्ञान मेला 2023 का आयोजन कहां होने वाला है, कहां प्रस्तावित है? तो जनवरी 2024 में होने वाला है, हरियाणा पर होने वाला है। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक, कहां होने वाला है? हरियाणा पर होने वाला है, फरीदाबाद हरियाणा में होने वाला है, सभी को याद रखना है। 2015
से इसकी शुरुआत हुई थी। यहां पर कौन कौन से मंत्रालय है, विज्ञान व प्रौद्योगिकी मंत्रालय, साथ में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन होता है। 2024 में होगा, नौवा संस्करण होगा। कहां होगा? फरीदाबाद हरियाणा में होगा। सारी जानकारी लिखी भी हुई है, परेशान नहीं होना है अगर आप नोट नहीं कर पा रहे हैं तो। ठीक, नेक्स्ट, 17 नवंबर को वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया जाएगा? नरेंद्र मोदी, जो बाइडेन, सी जिनपिंग, सिरिल रामाफोसा? तो आप बोलेंगे इसका उत्तर क्या हो जाएगा? नरेंद्र मोदी जी हो जाएगा। पिछला संस्करण पिछले साल हुआ था और ग्लोबल साउथ काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। ये कौन है? सुब्रत राय जी हो जाते हैं। सहारा कंपनी के मालिक थे, इनका हाल ही में निधन हो गया। सुब्रत राय का निधन हो गया, इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो आप बोलेंगे ये एक बिजनेसमैन हो जाते हैं, एक बिजनेसमैन हो जाते हैं, आपको अच्छे से याद रखना है, एक इंडस्ट्रियलिस्ट, उद्योगपति हो जाते हैं। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मैग लैनिंग का संबंध किस देश से है? मैग लैनिंग इज रिलेटेड टू विच कंट्री? इन्होंने अपने संन्यास की घोषणा कर दी है, संन्यास की घोषणा कर दी है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी हो जाती है। ठीक, सबसे सफल कप्तानों में से ये एक होती है। इसके अलावा काफी सारे एक्स्ट्रा फैक्ट हैं, आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, पीडीएफ आपको मिल जाएगी शानदार तरीके से। अब देखते हैं एक होमवर्क का सवाल जो आपको बताना है सभी बच्चों ने। अगर आपने ध्यान से देखी है क्लास तो आप सभी से इस सवाल का उत्तर आना चाहिए। सवाल क्या है? 15 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विच डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 15th नवंबर? ऑप्शन आपके सामने है, आपको इस प्रश्न का सही उत्तर बताना रहेगा। ठीक है, पीडीएफ कहां मिल जाएगी? पीडीएफ मिल जाएगी आपको टेलीग्राम चैनल पर, एसएससी खान ग्लोबल स्टडीज नाम से टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक भी अभी आपको कमेंट बॉक्स में देखने के लिए मिल रहा होगा। स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए, हमारी मुलाकात होगी अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।